Hi, this is Suraj Pancholi and you're watching Expose India. नोएडा पुलिस ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा खुलासा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने दावा किया कि नोएडा वेस्ट के गौड़ सिटी 2 में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी को उन्होंने पकड़ लिया है। माँ और बहन का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही खून निकला। हत्या करने वाले 15 वर्षीय नाबालिग युवक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। खाना खाकर तीनों लोग सो गए। उसका कहना है कि लगभग 9:30 बजे के आसपास किसी समय वो उठा और फिर उसके मन में जो विचार थे, क्यों थे, क्या थे, ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। और उसके बाद उसने पहले बैट से, फिर पहले उसने, उसका कहना है कि पहले मदर को मारा, फिर लगा कि सिस्टर उठ गई है या उठ जाएगी, तो फिर उसने सिस्टर को भी मारा। दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौड़ सिटी 2 स्थित 11 एवेन्यू में 4 दिसंबर को महिला अंजलि अग्रवाल और उसकी 12 साल की बेटी की हत्या कर दी गई थी और हत्या की गुत्थी को पुलिस ने जल्द ही सुलझाने का दावा भी किया था। जो छोटी कैंची हम लोग घर में यूज करते हैं, वो कैंची से उसने फिर प्रहार किया उनके ऊपर, और कैंची से प्रहार करने के बाद फिर उसने, जो उसने बताया उसके बयानों के मुताबिक, उसने पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल किया। वो प्रथम दृष्टया मुझे ये नज़र आया कि कहीं ना कहीं उसके मन में ये कुंठा थी कि उसके साथ अलग तरीके का व्यवहार होता है। आपको बता दें कि मां बेटी की हत्या के बाद नाबालिग युवक फरार चल रहा था, जिसे वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़के ने बताया कि उसने अपनी माँ पर बैट से हमला किया और जब बहन जाग गई तो उसे भी मार दिया। वो हत्या की प्लानिंग बहुत दिनों से कर रहा था। वहीं पुलिस का कहना है कि पढ़ाई को लेकर मां की डांट और बहन को ज्यादा प्यार मिलने से गुस्साए युवक ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन यहां ये सवाल उठता है कि आखिर युवा पीढ़ी ऐसी हिंसक वारदातों को क्यों अंजाम दे रही है? नाबालिगों की मानसिकता ऐसी क्यों बनती जा रही है कि उनको परिजनों की डांट तक बर्दाश्त नहीं हो रही है? भागम भाग भरी लाइफ में जब हमारा ध्यान अपने बच्चों से हट रहा है तो उनका झुकाव सोशल मीडिया, मोबाइल की तरफ जा रहा है। ऐसे में सही मार्गदर्शन के बिना युवाओं का हिंसक होना कोई नई बात नहीं है। आखिर क्यों बढ़ रही है ये मानसिकता? ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय, एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।